पर आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं। तो आई थिंक यही एक प्रेरणा मिलती है आज के सेशन से। ये इतना बड़ा दिन है सारी महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए, और ये विश्व में भी प्रेरणा देगा। हमारे देश की तो मैं कहूंगी इतनी बुरी हालत नहीं है, हमारे यहाँ पे तो शक्ति पूजा बहुत होती है, कन्या पूजा बहुत होती है, बाकी देशों की तो और भी, अमेरिका जैसे देश में कभी कोई प्रेसिडेंट वुमन रही भी नहीं, और कोई काबिल भी हो तो उन्हें पीछे रख के करा जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज नेता रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं, तो बाकी विश्व को भी इससे प्रेरणा मिली। इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थॉट। अर्लियर बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत सक्सेसफुल रहे, बट वो हो नहीं पाया, और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे। और क्या होता है, काफ़ी बार लोगों में कोई तकलीफ होती है, वो महिला एक महिला को समझ सकती है, और हमेशा बोलते ना आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो घर की लक्ष्मी को बोलते ना, घर हमेशा खुश रहता है जहाँ घर की लक्ष्मी खुश हो। तो मोदी जी ने वही किया है कि लक्ष्मी से शुरू किया है ये सांसद, तो बहुत आगे जाएगा हमारा। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, बुरी स्वागत किया है, लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय दिया पड़ा जिसे 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा आगे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी अभी सुबह सुबह हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमारी अपनी पार्टी की सरकार है, अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे हमने जो अपनी जर्नी की है बगैर रिजर्वेशन के की है, लड़ाई लड़कर की है, इतनी जो दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, विद स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो स्लैंडर होता है, उस तरीके की जो मानसिकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा महिलाएं आने के बाद ये ऐसी मानसिकता को ख़त्म करेगा। ये जो पुरुष प्रधान देश है वो ध्यान रखेगा कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो मेरा तो बस मानना ये है ये बिल जल्द से जल्द लागू हो, 2024 के चुनाव में लागू हो, 2024 में 33% महिलाएं चुनकर आएं और देश में भागीदारी लें, देश की प्रगति में, उन्नति में और देश की दशा और दिशा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आज लेके आए हैं, वो भी अच्छी बात है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे, वो और भी अच्छी बात होगी। हाउ मेनी टाइम्स द बिल वाज टेबल्ड, इट वाज नेवर दैट इट कुड एक्चुअली गेट पास्ड, एंड टुडे नाउ दैट यू नो ऑन द ओकेजन ऑफ गणपति वी सी दैट इट इज बीइंग टेबल्ड एज द फर्स्ट बिल। आई थिंक इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। नियरली 100 इयर्स ऑफ स्ट्रगल दैट वी डिड to ensure that we had franchise and we had voting rights, that we were participative enough, and now with the 33% bill I think it's going to be a lot many more women coming and actively participating in debates and making sure that the country goes forward. Agar ye layenge mahila arakshan bill to theek hai, better late than never, belated understanding bol ke hum support hi karenge, kyunki mamta ji ko hum dekhe hain mahila arakshan bill 33% to chhod hi dijiye, एमपी एमएलए में भी 40-45%, पंचायत में 50% कर चुके हैं बहुत दिन पहले। तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आई एम हैप्पी इट इज स्टेबल्ड, इट इज इन लोकसभा ऑलरेडी। आई बिलीव द बीएससी टुडे विल गिव सम टाइम फॉर डिस्कशन फॉर टुमारोस सेशन, एंड आफ्टर द डिस्कशन वी आर रियली होपिंग दैट इट विल पास इन लोकसभा टुमारो इटसेल्फ and go to Rajya Sabha as soon as possible and then get passed in this session itself. So whatever I was expressing yesterday, that worry has come true, because before introducing it in the Rajya Sabha, consensus of various parties, stretching out a hand of friendship to various parties by the ruling government is essential, and I hope government will come forward to do that. ये कांग्रेस का बिल है, कांग्रेस लेकर आई थी मार्च 9, 2010 में, हम लोगों ने इसको राज्यसभा से पारित भी करा लिया गया था। 9.5 साल आगे हो गए आपको भाजपा को सत्ता में रहते हुए, ठीक चुनाव से पहले महिला रिजर्वेशन बिल क्यों आपको याद आया?
आपकी सोच में तो सत्ता पाना है, लेकिन हम महिला रिजर्वेशन बिल आज सभा पटल पे आता है तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, पूरा इंडिया चाहता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में और विधानसभाओं में बढ़नी चाहिए। सिर्फ वीमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी और जो दलित दबे कुचले प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी एससी ओबीसी को भी ध्यान में रखे, उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.